प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं केतु ग्रह की, केतु के उपायों के बारे में। डिप्रेशन दे सकता है केतु। राहु केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु को असुर का ऊपरी धड़ और केतु को पूंछ का हिस्सा माना जाता है। इस तरह से विचार किया जाए तो केतु ग्रह के पास मस्तिष्क नहीं है, अर्थात जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ रहता है उसी के अनुसार फल देने लगता है। केतु का सीधा प्रभाव दिल से है, अर्थात केतु की निर्बल या अशुभ स्थिति चंद्रमा मतलब आपके हृदय को प्रभावित करती है और आत्मबल को कम करती है। केतु से प्रभावित व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। भय लगना, बुरे सपने आना, संकालोवर्ती हो जाना केतु के ही कारण होता है। केतु को चंद्रमा की युति प्रतियुति होने से व्यक्ति मानसिक रोगी बढ़ जाता है, व्यसनाधीनता बढ़ती है और मिर्गी स्टीरिया जैसे रोगों की आशंका बढ़ जाती है। केतु प्राय लगन द्वितीय चतुर्थ सप्तम अष्टम दशम और व्यय में होने से अच्छा फल नहीं देता। तृतीय पंचम षष्ठ नवम एकादश में केतु अच्छा फल देता है। साथ ही में मेष वृषभ मिथुन कन्या धनु मीन राशि में केतु अच्छा फल देता है। ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राहु को असुर का ऊपरी धड़ और केतु को पूंछ का हिस्सा माना गया है। इसके कुछ उपाय भी हैं। केतु की शांति गर्म करना चाहें, केतु मतलब काफ़ी परेशान कर रहा है, कुंडली में काफ़ी दिक्कत दे रहा है, तो आप इसके बहुत से उपाय भी कर सकते हैं। केतु से बचने का सबसे अच्छा उपाय हमेशा प्रसन्न रहना है, जोर से हंसना है। इसमें केतु आपके हृदय को वश में नहीं कर पाएगा, मतलब संभाल नहीं पाएगा आपको और उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रतिदिन आप गणेश जी की वंदना करें, उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मजदूर अपाहिज व्यक्ति की यथासंभव मदद करें। जो मजदूर होता है या अपाहिज व्यक्ति होता है उसकी यथासंभव मदद करें। लहसुन या पहनने से भी केतु का अशुभ प्रभाव में कमी आती है, मतलब जो लहसुनिया अगर आप पहनते हैं अपनी अंगुली में तो उससे भी मतलब जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आती है। काले स्लेटी रंगों का प्रयोग न करें, काले जो स्लेटी रंग होते हैं उनका प्रयोग न करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोगों में उठने बैठने सामाजिक होने की आदत डालें, मतलब लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, सामाजिक तौर पर रहना, यह आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब लाल स्लेटी रंगों का प्रयोग करें, वो आपके लिए और भी अच्छा है। लहसुनिया पहनने से केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। प्रतिदिन गणेश जी का पूजन दर्शन करें। केतु से बचने का सबसे अच्छा उपाय हमेशा प्रसन्न रहना होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ दान करते हैं तो वो भी मतलब केतु के लिए अच्छा रहता है। छोटे छोटे दान आप कुछ भी कर सकते हैं अपने श्रद्धा अनुसार, तो वो भी इससे भी जो केतु का जो प्रभाव है वो कम होगा, डिप्रेशन है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये आपके हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। केतु आपको हृदय से ज़्यादा परेशान करता है, मतलब आप सोचते क्या हो बन जाता क्या है, सोचते क्या हो और बन जाता क्या है। इस वजह से आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। परंतु अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिक्कतें परेशानियां आपकी कम हो सकती हैं। अगर आप इनके उपायों को ध्यान में रखकर करते हैं तो दिक्कत परेशानी हट सकती है। जैसे मिर्गी है, स्टीरिया है आदि रोगों की संभावना है वो इसके खराब होने से ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक दर्द का आना भी मतलब केतु का संकेत है, खराब केतु का संकेत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो भी मतलब समय पर इसका इलाज करते हैं तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। साथ ही में मेष वृषभ मिथुन कन्या धनु वह मीन राशि में केतु आपको अच्छा फल देगा। राहु केतु को छाया ग्रह ज़्यादा माना गया है, तो ऐसे में अगर आप इसका उपाय करते हैं, समय पर इसे बिगड़ने नहीं देते हैं, तो आप बहुत सी परेशानियों से जो छुटकारा है वो पा सकते हैं और दिक्कत परेशानियों से निकल सकते हैं, हल ले सकते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी, जैसे आप विवाह को लेकर परेशान हैं, व्यापार को लेकर परेशान हैं, नौकरी में तरक्की है, भाग्य उदय है, रतन रंग अंक है, ग्रह क्लेश से मुक्ति है, कुंडली विश्लेषण है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं,
आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।